अरे बेटा, कौन हो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? खेल रहा हूँ। खेल रहा हूँ? ये खेलने की जगह है? कौन हो तुम? तुम्हारे पापा कौन है? तुम्हारे डैडी का नाम क्या है? डैड का नाम किशोर और मम्मी का चंद्रमुखी। चंद्रमुखी जी? नहीं, चंद्रमुखी जी, आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। क्या हुआ सर? ओए, तू यहाँ क्या कर रहा है? सर, बहुत शरारती बच्चा है ये। पहले लोगों के घर में घुस जाता था, अब पुलिस चौक में घुस जाता है। अपने पड़ोसी है ना खन्ना साहब, उनका बेटा है ये। अरे बाप को मारो गोली, माँ कौन है? चंद्रमुखी। चंद्रमुखी जी, चौताला जी, आपने मुझे धोखा दिया। सर, दुनिया में एक ही चंद्रमुखी थोड़ी है, और भी तो चंद्रमुखी है ना। इसकी मम्मी पहले चंद्रमुखी अरोड़ा थी, अब खन्ना हो गई। सर, बहुत खूबसूरत जनानी है जी, टोटा टोटा समझो। तोते को ले जाओ, इसको ले जाओ यहाँ से। चलो निकल। किस किस के बच्चे आ जाते अंदर? सर, आपने मन्ने बुलाया? चंद्रमुखी जी। हाँ चंद्रमुखी जी, ये आपके लिए लव लेटर। शक्ल देखिए आपकी, कैसे भड़क गई है आप, नाराज हो जाती है आप। आई वॉज जस्ट जोकिंग। दरअसल ये कमिश्नर साहब का लेटर है ना। तो कमिश्नर साहब का लेटर आप उन्हें दीजिए, मन्ने क्यों दे रहे हैं? अरे आप गलत समझ रही है। दरअसल क्या है, कमिश्नर साहब ने आज सुबह सुबह मुझे अपने ऑफिस बुलाया था। उन्हें रिपोर्ट मिली है कि आप जो है छोटी मोटी केसेस पर तवज्जो देते ही नहीं है। और तो और उन्हें यह भी रिपोर्ट मिली है कि आप जो है बिना वजह लोगों पर हाथ भी उठाते। तो क्या मैंने उनसे कह दिया कि कमिश्नर साहब आप घबराइए मत, क्योंकि अब मेरी नजर जो है आप पर रहेगी। ऑफिशियली हाथ जोड़ के खत्म। प्लीज बेवजह लोगों को पीटो मत। अरे कहीं आपका ट्रांसफर हो गया तो मेरा क्या होगा, मतलब चौकी का क्या होगा? सो प्लीज रिमेंबर, डोंट फॉरगेट, आई एम वॉचिंग यू। सर, चौकी पहले भी चली रही थी ठीक ठाक। एक्सक्यूज मी मैडम, मैं परेशान हूं। ना मैं तो घनी खुश दिख रही हूँ, यहाँ कीकली कर रही हूँ यहाँ पे, ना मैं कम परेशान हो रही हूँ, कम तकलीफें हैं हमें। मेरी FIR लिखो। अरे तुम्हें दिख नहीं रहा है, यहाँ पर मैडम का दिमाग भन्ना रहा है, अब मतलब बढ़िया रहा है। मेरा मतलब है कि मैडम का मूड ऑफ है और तुम्हें FIR लिखवानी है। तो मैं भी तो परेशान हूँ ना, प्लीज मेरी FIR लिखो। गोपी। हाँ जी जी मम्मी जी। ना इससे पहले कि इसकी बॉडी पे जो है ना हमारे रैप्टों का सावन बरस जाए, साले की FIR लिख। हाँ, लिखो गोपी। माने हवलदार। सर, मेरा नाम है ललित गुलाटी। मैं ना रोज बस पकड़ने के लिए बस स्टॉप पे खड़ा रहता हूँ ऑफिस जाने के लिए, लेकिन क्या होता है कि जब तक मेरा नंबर आता है तब तक बस चली जाती है। अरे यार, तुम लपक के बस में चढ़ जाया करो। नहीं ना, मैं ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पिताजी ने सिखाया है कि पहले सबको खिलाओ बाद में खुद खाओ, पहले सबका ख्याल रखो बाद में खुद का ख्याल रखो। अपना ख्याल तो कुत्ता भी रख लेता है, लेकिन तुम दूसरों का ख्याल रखना, क्योंकि तुम कुत्ते नहीं हो। और मैडम, मैं कुत्ता नहीं हूं ना, इसलिए मैं सबको पहले बस में चढ़ जाने देता हूँ और बाद में मैं जाता हूँ। आंख चढ़ते कहाँ हो, जब तक तुम्हारा नंबर आता है तब तक तो बस निकल जाती है, करेक्ट? हाँ, इसलिए तो मैं परेशान हूँ ना। मैडम, मुझे ना वो बस के कंडक्टर और ड्राइवर के खिलाफ FIR लिखवानी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग जानबूझकर मुझे बस में चढ़ने नहीं देते हैं। अरे ऐसा है, हेलो, नहीं आज भी बस छूट गई, नहीं मैं आज ऑफिस नहीं आऊंगा। ओके, देखा मैडम, रोज मेरी ऑफिस छूट जाती है। भाई ऐसा है, दूसरी बस कतई क्यों ना पकड़ लेता तू। नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता ना मैडम, क्योंकि मैं ना आउटस्कर्ट में रहता हूँ, और वहाँ पे ना ढाई ढाई तीन तीन घंटे में एक बस आती है, और वहाँ पे ना ही कोई टेम्पो मिलता है और ना ही कोई ऑटो। अरे भाई, ऐसी कौन सी स्कर्ट हो रही जो इतनी आउट हो रही? तू घना इरिटेटिंग है, तू कल को आइयो, कल को थाना ड्राइवर और कंडक्टर ना उनको बुला के रखेंगे। ओके, नाउ गो। अरे सोनू, ऊपर से चढ़ा लियो, ऊपर टायर ऊपर चढ़वा लियो, पान ले आ मेरे लिए। हां ठीक है यार, काम का बैज बेकार की बात। एक्सक्यूज मी, शायद हमें यहां बुलाया है। आई एम कुशल, ड्राइवर ऑफ द बस।
हम हैं मंगल टिकट काट के कंडक्टर हैं। हाँ भैया चले चलो 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 टिबरकन टोला या चटपुड़ियागंज कहाँ चल रहा है भैया, कहाँ टिकट काट दो बोलो। किससे बात कर रहा है, किससे पूछ रहा है? और तुम दोनों जो के गंद मचा रखी है, नई आदमी को अपनी बस में बैठने क्यों ना दे रहे तुम? दिस इज रॉन्ग, एब्सोल्यूटली रॉन्ग मैडम। हम बस में सिर्फ उतनी ही सवारियां चढ़ा सकते जितनी की जगह है। अब इनके चढ़ने के पहले इफ द बस इज फुल व्हाट डू वी डू यू टेल मी। अरे और नहीं तो क्या मैडम, अरे भैया ये पीछे से चले जाओ, चचा ऊपर चढ़ो जल्दी से, जवान आदमी हो और ये टोकरी, और यार इतने मोटे यार दो आदमी जगह करते हो एक टिकट में, थाला क्या क्या तरीका तुम्हारा है? अच्छा ये बताओ कहां कहां काट दूं बोलो। हाय लेकिन ये ललित गुलाटी तो कह रहा है कि अरे ये तो कुछ भी कहेगा और आप लोग मान लेंगे। मैडम He is a very very lazy man. इसके लिए हम कितनी देर तक बस वहां खड़ी रखे, you tell me. अरे यार ये बस कब चलेगी, यहां ला करके खड़ी कर दी है, ऊपर से ये गर्मी। ओ ताऊ कंप्लेंट ऑफिस हो रहा है, यो कहां से घुसा चला आया, कौन हो रहा तू? एसी निगम हमारा नाम है जो है सो। ओहो नाम से एसी और गर्मी से परेशान। अरे वो वाला एसी नहीं, हमारा नाम है अवधेश चंद्र निगम जो है सो। कब से इनकी बस में बैठे इंतजार कर रहे हैं लेकिन ये लोग बस चलाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं जो है सो। रोज इसी तरीके से कहीं ना कहीं ये बस खड़ी कर देते हैं और सवारी ढूंढने लगते हैं जो है सो। रोज हम शादी के लिए लड़की देखने जाते हैं, इनकी चक्कर में लेट हो जाते हैं जो है सो। ओहो अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं आप? चल हट, अभी तक हम कमा रहे हैं। उधर लड़की वाले 2 बजे के बाद लड़की नहीं दिखाते क्योंकि लड़की 2 बजे के बाद टीवी सीरियल देखती है जो है सो। ऐसा है इस अंकल को लेके जाओ तुम दोनों, हैं कोई काम होगा तुम बुलाएंगे, चलो निकलो। थैंक्स मैडम। बीच में घुसे चले यार, यार ये 2 मिनट तो कम से कम 2 बजे के बाद मजारे में रास्ते में रुक के खाना भाई, भैया खाना मत खाना प्लीज। मैडम मैडम आपने उन लोगों को क्यों जाने दिया जबकि मैं यहाँ पे परेशान हूँ? टट पुंजिया सा केस हो रहा है थारा, कानूनी रूप से जो है कतई बीक। थारे पास एक ही ऑप्शन है, अपने बाप की कही भी भूल जा, कल सवेरे जो है ना बस स्टैंड की लाइन में जो है फर्स्ट लगियो, धक्का दे के जो है ना एकदम से घुस जियो बस। क्या मैडम आप क्या बात करें, एक तो मैं यहाँ पे परेशान हूँ और आप मेरा केस तटपुंजिया। वो इसके गाल पे मच्छर था सर, वो मार रही थी बस। हाँ जी जी इसी ने कहा था मम्मी जी को कि मेरी गाल पे मच्छर बैठे मार दो, क्यों भी कहा था ना। हाँ मेरे गाल पे मच्छर बैठ गया था तो मैंने मैडम से कहा कि मच्छर मार दीजिए। नजर रख रहा हूं मैं, इट्स ऑफिशियल। अरे बंदे बैठ के लिए रुकी हुई है, अच्छा खाना वाना खा लेना, जो उसको चाय वाय पीजिए पी लेना भैया ठीक है। Disgusting. आज भी छुटकी थारी बस? हाँ मैडम। फिर बस की लाइन में एकदम पीछे खड़े हो गए तुम? नहीं नहीं मैं सबसे आगे खड़ा था। हाँ भी अंदाजन तुम्हारे पीछे कितने लोग थे? मेरे पीछे मैं ही था। और आगे? अरे आगे पीछे मैं ही था, पर आज संडे है ना, हाँ तो मैं वहां पे अकेला खड़ा था। क्या हुआ कि ऑफिस से फोन आया था कि इतने दिनों से तुम ऑफिस में नहीं आ रहे हो तो बहुत सारा काम पेंडिंग है तो आज आके निपटा दो, तो मैं ऑफिस जाना चाहता था लेकिन मैडम देखिए इनकी कटु नीति देखिए कि पूरे बस स्टॉप पे मैं अकेला खड़ा था फिर भी इन लोगों ने बस नहीं रोकी। मैडम एक्चुअली द थिंग इज कि हमने सोचा कि इस एक अकेले के लिए गाड़ी क्यों रोके यू नो। अरे चचा ऊपर चढ़ गए हो, बच्चा भी ले लिया है, साइकिल भी चढ़ा ली है, गड्ढा आएगा लद्दे से गिर जाएगा तो हमारे ऊपर आ जाएगी, फिर बोलोगे कि हमने ऐसे गाड़ी चलवाई, पर ड्राइवर को तो पता हम गालियां दोगे हैं। चलो अच्छा मास्टर नहीं तुम तो आगे बढ़ जाओगे। अब मैडम क्या है कि बस रुकती उसके बाद ये चढ़ता उसके बाद हम गियर डालते उसके बाद बस पिकअप लेती और उसके बाद बस हमारी चलती, अब ये बताइए कि इस सब में कितना डीजल खर्च हो जाता है, आप हमें समझाइए। अरे भैया कहाँ का टिकट काट दूं, तुड़ियागंज या मुंशी पुलिया का? नहीं मैम नहीं। मैडम गवर्नमेंट से सेव पेट्रोल सेव डीजल, तो फिर इस एक अकेले को गाड़ी में चढ़ाने के लिए डीजल इतना जलाना वाज नॉट वर्थ, व्हाट यू से? अरे यार ये बस कब चलेगी, कल भी लेट हो गए थे, लड़की से नहीं मिल पाए थे,
तुम्हारे चक्कर में कहीं लड़की किसी और को ना पसंद कर ले जो है सर। ओ चल साइड में बैठ, चल निकल। मैडम मैडम ये गलत है, गलत है। आप है ना हमेशा इन लोगों को छोड़ देते हो, और देखो मेरा केस ना टुटू पुंजिया नहीं है। वो सर फिर से इनके गाल पर मच्छर बैठ गया था इसीलिए बस। जो, 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 जो। मच्छर बैठा था ना? हाँ मेरे गाल पे ही मच्छर आकर बैठते हैं। जिनके गाल पर बैठना चाहिए उनके गाल पर तो मच्छर नहीं बैठते। नजर रख रहा हूं मैं। ऑफिशियली ऑफिशियली बात करो दंगल। मैडम आई थिंक बेकसूर है ये कुशल मंगल। ओके बाय। अरे यार दो बदने को आ गए, अब कब चलोगे? अरे ऐसा है, लेके जा इसमें छोरी दिखा। चल अब तो दो बज गए हैं, काम करो मुझे घर छोड़ दो, चलो। अरे टिकट काट लेंगे तुम्हारा, वहां से तुड़ियागंज से घुस के एकदम सीधे बस में चले आते। अरे चलो तो सही। मम्मी जी इस गुलाटी के केस का क्या करना है जी? अरे करना के है, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा ना, फिर कमिश्नर साहब कहेंगे कि ऐसा है छोटे मोटे केस में तो इंटरेस्ट ही ना ले रही छोरी। और तू दो सेकंड के अंदर थारे दिमाग में हमारा कोई आइडिया ना आया ना तो तीसरे सेकंड में थारा चौथा कर दूंगी मैं बेटा। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही लछड़ लछेड़ू टिकल टिकेड़ू आइडिया आ रहा है। आप जरा कोने में तो आइए मैडम, आप भी ना एक नंबर की। अरे भोली है, सुनिए। तू हमारी शादी में आई भाभीज लेडीज सबको छेड़ेगा तू बिसल मार मार के। जरूर जरूर मैडम जरूर। हाँ भाई ऐसा है। अरे बस बस के चक्कर में छोड़ दे, गाड़ी खरीद ले। मैडम क्या बात करती हो, अरे गाड़ी के लिए पैसे चाहिए ना, और मेरी तो नई नई नौकरी लगी है। अरे उसकी चिंता तुम क्या करते हो यार, हमारी मैडम एक नंबर की जुगाड़िया है। मेरा मतलब है एक नंबर की तिगड़म बात, मेरा मतलब है बहुत पहुंच है इनकी यार। अरे तुम एक काम करो, तुम 10-20 हजार का जुगाड़ कर लो, उसके बाद हमारे यहाँ पीछे चौकी में बहुत सारी गाड़ियां खड़ी है, उसमें से एक गाड़ी तुम्हें दे देंगे, उसके बाद इंस्टॉलमेंट में पैसे देते रहना तुम, सिंपल। ठीक है ठीक है। मैडम 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 हो गया, क्यों रोड़ा पाया है यार? तुम कमाल के आदमी हो, केस तुम्हारा सॉल्व हो गया, लड्डू कहाँ है? अरे यार तुम भी देखो मेरी बात सुनो तुम। अरे यार मैडम मैडम यार मैं परेशान हो गया हूँ, मेरी कार ठुक गई और कुशल और मंगल की बस ने मेरी कार को पीछे से ठोक दिया। नहीं जरूर तुमने दबाया होगा जोर से एक्सेलरेटर, टेल अस क्या है पूरा मैटर। ओके बाय। अरे बस सुन मैडम, मैं ना कार लेके जा रहा था तो मैंने पीछे देखा कि कुशल और मंगल की बस आ रही है, तो अचानक मुझे पिताजी की बात याद आ गई कि सबको आगे जाने दो, बाद में तुम खुद आगे बढ़ो। तो मैंने क्या किया, कार का एक्सीलेटर बढ़ाया और गाड़ी को लेफ्ट में लेने की कोशिश की, तभी तभी मुझे आपकी बात याद आ गई। मैंने कहा कि बाहर में जाए डैडी। अरे एक्सीलेटर बढ़ाया और जैसे ही एक्सीलेटर बढ़ाया ना मैडम, सामने अचानक कुत्ता आ गया, और कुत्ता देखकर मुझे पिताजी याद आ गए, पिताजी की बात याद आ गई कि खुद मर जाओ लेकिन कोई भी कुत्ते को मत मारो, इसलिए मैंने ब्रेक लगाई। जैसे ही ब्रेक लगाई ना मैडम, तो पीछे से कुशल और मंगल की बस ने मेरी कार को ठोक दिया। मैं परेशान हो गया हूं मैडम। भाई ऐसा है, अगर तो जो मैं सोच रही हूं ना वो सही है तो यो केस घनी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अरे भाई 15-20 मिनट हो गए, बस जरा ठीक ना कर लेना। अच्छा एक्सक्यूज मी, हमें शायद यहाँ बुलाया। अरे भाई क्या बात है, माहौल कुछ अजीब लग रहा है। मिस्टर कपूर ललित गुलाटी। भाई इस आदमी ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन
आत्महत्या करने से पहले जो है ना, इसने एक नोट यानी लेटर छोड़ा है जिसमें लिखा है कि इसकी मौत का जिम्मेदार कौन हो रहा है। तो भाई जो आदमी इसकी मौत का जिम्मेदार हो रहा है वो है इसका बॉस यानी मिस्टर कपूर यानी कि तुम। यानी कि मैं? ओ मैडम, मैंने किया क्या है? अरे आपने इसे नौकरी से निकाला तो इसके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। देखो जी साहब जी, ये नौकरी पे आता ही नहीं था तो निकालूंगा नहीं तो और क्या करूंगा। भाई गुलगुले जी मैडम, लास्ट को जो है ना पोस्टमार्टम के लिए भेज एम्बुलेंस को फोन कर। जी मैडम। और गोपी जी, तू इन सब का बयान दर्ज कर। मैं पेन लेके आया जी। सर सर, हेलो सर। हाँ जी, आपने पहचाना सर मुझे? सर मैं कुशल। सर कुशल, मैंने भी उसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया था जिसके लिए इस गुलाटी ने किया था सर, और वो जॉब इसे मिल गई थी सर, तो फिर मैंने चिढ़कर सर मैंने ड्राइवरी शुरू कर दी थी सर। सर लेकिन जब अब यही नहीं रहा सर, तो वो जॉब मुझे दे दीजिए ना सर, मुझे उस पोस्ट पे रख लीजिए ना सर, आई रियली नीड इट सर, प्लीज सर। ओके ओके ओके, डोंट क्राई डोंट क्राई, ऐसे करना कल फोन करके तो आ जाना। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू जी। और मेरे नाम जरा आपका बयान दर्ज करना है। आइए आइए। हाँ तो भाई मंगल, अब मैं उस पोस्ट पर नौकरी करूंगा जिस पर ये गुलाटी का बच्चा जॉब करता था। लेकिन यार हमारा प्लान तो ये था कि हम इसे ऑफिस ही नहीं पहुंचने देंगे जिससे इसकी नौकरी छूट जाएगी, लेकिन यार ये तो दुनिया ही छोड़ गया। अरे ठीक है ना, मर गया तो मर गया, हमें क्या करना है। अब तो मैं ड्राइवरी छोड़कर इसकी पोस्ट पर नौकरी करूंगा। यस। हाँ हाँ हाँ, तू जॉब भी करेगा, तेरे सैलरी भी मिलेगी और थारा प्रमोशन भी होगा। लेकिन सब कुछ मारे इस हवालात में। लेकिन मैडम मैं तो, क्योंकि थारी और सारी कुकर्म की बातें जो है ना रिकॉर्ड होगी। देखा बेटा। लेकिन लेकिन आई विल एक्सप्लेन। भाई थारे पर तो शक मन्ने तभी हो गया था जब तू फर्राटेदार अंग्रेजी झाड़ता हुआ जो है ना इस थाने में आया। तब जो है हमारा दिमाग ठनका कि यो एकदम एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग आदमी ड्राइवरी क्यों कर रहा है, ना किसी अच्छी जगह नौकरी क्यों ना करता। तो हमने इंक्वायरी बिठाई तो पता चला कि तैने और इस गुलाटी ने एक ही जगह नौकरी के लिए एप्लीकेशन दी थी जिसमें सिलेक्ट यो हो गया और तू रिजेक्ट, क्योंकि यो थारे से ज्यादा काबिल से और जेलसी फैक्टर थारे से बर्दाश्त कतई ना हुई। लेकिन हम भी जो है पुलिस हैं, थोड़ी बहुत जो है काम काज हमें भी करना आता है, तो हमने यो सब एक छोटा सा ड्रामा रचाया। ड्रामा? बेटा गुलाटी प्लीज गेट अप, यो मरा ना है गुलाटी और मिस्टर कपूर। हाँ जी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन सर। ओह यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू। यू मे गो। और जल्दी उठो, काम पे चलना है कि नहीं? चलो 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 चलो। लेकिन मैडम वो, लेकिन 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 कुछ ना, उसे करने दे अपनी नौकरी और मन ने करने दे मारी नौकरी। हाँ हाँ हाँ, मैंने इन्हें सूता है तो आप क्या करेंगे, कमिश्नर साहब से हमारी कंप्लेंट कर देंगे, निकलवा देंगे मन्ने नौकरी से, है उतरवा देंगे हमारी वर्दी। आपको अगर कमिश्नर साहब से कंप्लेंट करनी है तो आप बेझिझक कर लीजिए सर। नहीं, क्योंकि आप ऐसे ही उछलती कूदती चहकती फुदकती तोड़ती मारती अच्छी लगती है, और सच कहूं चंद्रमुखी जी तो आप अच्छी ही नहीं, बहुत अच्छी लगती है। हाँ या ना? हाय 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 हाय।